बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं हरी प्याज बना रही हूँ, काट ली देखिए पूरा मैं, ये देखिए। तो इसको हरी प्याज अपन खाली भी बना सकते हैं, दाल में भी बना सकते हैं, देखिए मसूर की दाल में बना सकते हैं आप, माश की दाल में बना सकते हैं, तो अच्छी रहती है। कई में भी बनाए तो अच्छी रहती है। मैं 2 चमचे तेल डाल रही हूँ देखिए इसमें, वो तरकारी के हिसाब से डालती मैं तेल। तो अदरक लहसुन डाल ले रही माँ, इसकी बारीक प्याज रहती थी कि हरी प्याज बारीक लेना अपन खाने के वास्ते, ना अपन फ्राइड राइस में उसमें इसमें डाले तो क्या है, अपन आखिरी की जो हरी रहते ना वो यूज़ करते ना अपन लोग, ये खाने के वास्ते बारीक रहना देखिए प्याज। तो इसको बारीक रहे तो क्या है, अपन खागिना बना सकते अपन इसको, तो दाल में बना सकते हरी प्याज डाल, हरी इसमें हरी मिर्ची डाल दी थी, हरी चीज़ों में हरी मिर्ची डाले तो बहुत अच्छा दिखता सालन। तो हल्दी और बोले तो इसमें नमक है देखिए, अदरक लहसुन तो डाल ही हमें उसके अंदर ही, तो बहुत मज़े का रहता है ये सालन, अपन नाश्ते में बना के खा सकते हैं। तो इसको क्या रहता, हरी प्याज के जो रहते ना बारीक प्याज रहते देखिए, उसका भी अलग खाजीना बना सकते हैं आप, मिला के भी बना सकते हैं रोटी के साथ नाश्ते में खाते, इतना ज़बरदस्त रहता और आसान रहता देखिए। ये दे क्या है, अपन आटा भिगाए तक और बोले तो थोड़े चीज़ ऐसा वैसा करे तक क्या है, ये नाश्ते के वासन बन जाती है हरी प्याज। बहुत जने खाते हैं हैदराबाद में हरी प्याज नाश्ते के वासन। तो मैं काट ली देखिए पूरी, काट ले के क्या करी मैं इसको 3-4 पानी से धोई करी, बोले तो इसके अंदर मट्टी बहुत रहती है, उखाड़ते ना इसको, काटते ना जड़ से उखाड़ते इसको मट्टी में से, तो इसको ज़्यादा रहती देखिए मैं इसको, और बोले तो कुल्फे को भी उखाड़ते देखिए, कुल्फे को इसको इतनी मट्टी रहती, कम से कम 3-4 पानी से धोना देखिए इसको, 3-4 पानी से धो के एक पानी डाल के 5 मिनट तो उसको पानी में रखना, रख के क्या करना छन्नी में डालना। अपन ऐसे अगर रखे ना तो इसको खाने में अपने को बहुत परेशानी रहती। अब इसमें पानी का खतरा नहीं डालना देखिए, कई को बोले तो पानी बहुत छूटता हरी प्याज में, तो मैं कभी भी बनाए तो क्या करती हूँ उसको खागिना भी बनाती हूँ, थोड़ी दाल डालती मैं इसके अंदर, 1-2 चटाक बोलते देखिए वो हिसाब से दाल डालती मैं। डाले तो क्या है, अपन जब रोटी से खाते ना तो एकदम अच्छा टेस्ट अच्छा रहता है इसका, सादे का भी टेस्ट रहता, सादा भी बना सकते अपन। तो जब प्याज जब उगती ना तो उसको ये बहुत खाते गाँव में हमारे पास, ये हरी प्याज जब सालन बनाते ना तो इसको बड़ी हुई है तक कम से कम कितने के खुद खाते रहते। बन गए देखिए, आसान है देखिए, क्या भी नहीं है इसको, 1-2 प्याज के डल लिया हम भूल लिए उसके अंदर, वही हरी प्याज के जो उसके अंदर नमक मिर्ची डाल दिए, उसके अंदर फिर हरी प्याज डाल के थोड़ी दाल डाल के 2-3 मिनट रखे तो हो जाता है देखिए। इसके अंदर कोथमीर डाली मैं, कोथमीर डाल भी सकते आप नहीं भी सकते, पूरा हरा हरा रहता ना, टेस्ट के हिसाब से आपकी मर्ज़ी रहती। बन गई देखिए 10 मिनट में होगा ये, मैं काट के उसे 10-15 मिनट बाहर रखी थी पानी में, उसके बाद मैं नाश्ते के वास्ते बनाई देखिए, इतनी ज़बरदस्त और इतनी मस्त रहती है, नाश्ते में अपने को महसूस नहीं होता। नाश्ते के वास्ते अपन वजन नाश्ता नहीं कर सकते ना, अपन फुलके खा लिए रोटी वो खा लिए ना, तो ऐसे हल्के हल्के चीज़ें अपन नाश्ते में बना के खाए तो बहुत ज़बरदस्त रहता। देखिए ये देखिए कितना मस्त दिख रहा, निकाली देखिए अब मैं। लाइक करिए फराना कुकिंग चैनल को, शेयर करिए, आप भी बना के देखिए नाश्ते के वास्ते।